थे प्रियंका गांधी से, और अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। इन तमाम सवालों के साथ रणदीप सुरजेवाला ने ये भी सवाल पूछा कि क्या कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में। ये सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, जो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए चुनार गेस्ट हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर प्रियंका गांधी से आखिरकार मुलाकात हुई उन पीड़ित परिवारों की जो कि सोनभद्र हिंसा का शिकार हुए, जिसमें 10 लोगों की जाने गई हैं और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है लगभग। उधर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिसमें ग्राम प्रधान खुद शामिल है, और प्रशासन इसकी तस्दीक कर रहा है कि इस मसले पर स्पष्ट तरीके से कार्रवाई हो पाए। ग्रामीण जिन्होंने मुलाकात की, जो कि इस हिंसा का शिकार हुए, उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद क्या कहा, हम सुनवाते हैं। ये पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उभा मूर्तियां जा रही थी, रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग को ये पता चला कि प्रियंका जी रास्ते में गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो हम पीड़ित परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए और प्रियंका जी हम लोगों से मिली। मिलने के बाद जिन परिवार के भाई भाभी दोनों मारे गए हैं, उस औरत को लेकर के अंदर जा करके उनको पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और इसके बाद जो भी होगा वो आएगा। लेकिन प्रियंका जी ने आश्वासन दिया है कि हम पीड़ित परिवार से मिलके ही यहाँ पे जाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी हो।